जब इस लड़के ने बहुत बड़ा ड्रैगन देखा फिर भी उसे डर नहीं लगा, बल्कि लड़के ने उससे पूछा कि क्या तुम मुझे खाने जा रहे हो। इस वाक्य ने हरे ड्रैगन को हैरान कर दिया। उसने लड़के को ऊपर और नीचे देखा और उसे चोट पहुंचाने की कोई कोशिश नहीं की। फिर उसने धीरे से अपनी विशाल हथेली को फैलाया। लड़के ने पीछे जंगल की ओर देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं है, इसलिए उसने ड्रैगन की हथेली पर चढ़ने की हिम्मत की। हरा ड्रैगन छोटे लड़के को सावधानी से पकड़े हुए धीरे धीरे आसमान की ओर उड़ गया। छोटा लड़का ड्रैगन के साथ ही अब बड़ा होने लगता है। जब लड़का खतरे में होता है ड्रैगन हमेशा उसे बचा लेता है। उन्होंने एक दूसरे को दोस्त मान लिया है। इस समय अचानक एक भूखा भूरा भालू दिखाई देता है। भूरा भालू गुस्से में दहाड़ता है। लड़का उससे डरता नहीं है और वो भी उसके सामने दहाड़ता है। उसी समय भूरा भालू डर जाता है और भाग जाता है, जिससे लड़का खुश हो जाता है। लेकिन वो जानता था कि यह उसके कारण नहीं था और उसके पीछे हरा ड्रैगन चुपचाप उसकी रक्षा कर रहा था। वो दोनों पानी में खेलते हैं और मजे करते हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद लकड़हारों का एक समूह जंगल में दिखाई देता है। वो बेरहमी से पेड़ों को काट रहे हैं। लड़का डर कर कोने में छुप जाता है और आगे आने की हिम्मत नहीं करता। उसी समय एक छोटी लड़की उसे देख लेती है और लड़का मुड़कर जंगल की ओर भागने लगता है। लड़की ने तुरंत उसका पीछा किया और अंत में उसे एक पेड़ पर देखा। लड़की पेड़ पर चढ़ना नहीं जानती है और नीचे गिर जाती है। लड़का लड़की की मदद करने के लिए नीचे कूद जाता है। वो उसके बाल देखता है क्योंकि यह पहली बार था जब उसने अपनी उम्र के इंसान को देखा था। जल्द ही लड़की के माता पिता आ जाते हैं। बच्चे को देख हर कोई हैरान होता है। पुलिस वाली ने आगे बढ़कर धीरे से लड़के से कुछ पूछा लेकिन लड़का डर गया और भाग गया। जब वो पेड़ पर चढ़ने वाला था एक आदमी ने उसे खींचा और वो बेहोश हो गया। जब वो फिर से जागता है तो वो अस्पताल में है। चारों ओर सब कुछ उसके लिए अपरिचित है। लड़का वापस जाना चाहता है। वो सड़क पर नंगे पैर दौड़ता है और भागते ही रहता है। घबराहट में वो एक गली में भाग जाता है। पुलिस वाली औरत आती है और उसे गले लगा लेती है। लड़का अभिभूत मदद के लिए पुकारता है। लोग नहीं समझ पाते कि वो क्या कह रहा है। औरत उसे शांत करती है। ड्रैगन मदद के लिए लड़के के रोने की आवाज को भांप लेता है और जंगल में उत्सुकता से चारों ओर देखता है। वो सुनाता है कि एक कार्यकर्ता था जो लड़के को जंगल से ले गया था। ड्रैगन उत्साह में एक पेड़ को गिरा देता है और लोगों का ध्यान खींच लेता है। यह देखकर सभी अपनी बंदूकें लेकर जंगल के अंदर जाते हैं और उन्हें एक विशाल पद चिन्ह मिलता है। वे नहीं जानते कि ड्रैगन गायब भी हो सकता है। पद चिन्हों के सहारे उन्हें ड्रैगन के रहने का स्थान मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर मानव जीवन के निशान भी मिलते हैं। ड्रैगन चुपके से बगल से यह सब देख रहा है। वो किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहता है। लेकिन जब ड्रैगन ने देखा कि लड़के की पसंदीदा बुक छीन ली गई है तो वह क्रोध में आ जाता है। यह देख सब लोग जंगल से भाग निकलते हैं। ड्रैगन गाड़ी का बारीकी से पीछा करता है। वो उनके माध्यम से लड़के को खोजने की उम्मीद में है। लड़का पुलिसकर्मी द्वारा घर ले जाया जाता है। वहाँ वो अस्थायी रूप से रहते हैं और वो धीरे धीरे मानव जीवन के अनुकूल होने लगता है। वो पुलिस वाली के परिवार से बहुत मिलनसार होने लगता है और परिवार के प्यार को वो महसूस करने लगता है। इस दौरान ड्रैगन गाड़ी का पीछा कर घर के बाहर तक आ जाता है। खिड़की के माध्यम से ड्रैगन इस दृश्य को देखता है। वो खुशी और निराश दोनों महसूस करता है। तमाम दुखों के बाद भी ड्रैगन ने चुपचाप वहाँ से जाने का फैसला किया। लेकिन ड्रैगन यह नहीं जानता कि लड़के को भी उसकी बहुत याद आती है। लड़के ने पुलिस वाली को ड्रैगन के बारे में बताया। पुलिस वाली ने अपने पिता को पेंटिंग दिखाई और उसके पिता ने उससे कहा कि उन्होंने भी एक ड्रैगन देखा है। यह सब साबित करने के लिए वो सब लोग जंगल में वापस आते हैं। वो लड़के के पीछे एक ऊंचे पेड़ तक जाते हैं जहां ड्रैगन का घोंसला है। लड़का ड्रैगन को उसके घोंसले से बाहर लेकर आता है। इस बड़े से ड्रैगन को देखकर सब हैरान हैं। छोटी लड़की आगे बढ़ती है और ड्रैगन के नाक को सहलाती है। जाहिर तौर पर ड्रैगन भी उन्हें अपने परिवार के रूप में देखता है। अचानक एक डार्ट चलने की आवाज़ आती है। यह पता चलता है कि एक आदमी उन लोगों का पीछा कर रहा था। ड्रैगन दहाड़ लगता है लेकिन वो सब ड्रैगन को बांधने की कोशिश कर रहे हैं। लड़का लाठी उठता है और आदमी को रोकने की कोशिश करता है लेकिन जल्द ही उसे भी पकड़ लिया जाता है। लड़का बहुत चिल्ला रहा है। ड्रैगन बचने के लिए उड़ने की कोशिश करता है लेकिन एनेस्थीसिया ने अपना काम कर दिया। ड्रैगन आसमान से नीचे गिर जाता है और जल्द ही बेहोश भी हो जाता है। लड़का यह सब देखकर उसके पास आता है और दुखी हो जाता है। उसे नहीं पता था कि ड्रैगन के साथ आगे क्या होने वाला है। उसे एक गाड़ी में ले जाकर एक जगह रखा जाता है। हरे रंग का ड्रैगन सबका ध्यान खींचता है। आदमी इससे अपना भाग्य बनाना चाहता है और किसी को इसके पास नहीं आने देता। ड्रैगन दर्द से चीख रहा है। लड़का यह सुनकर ड्रैगन को बचाना चाहता है। हर कोई गोदाम के दरवाजे के आसपास है। वो सब ड्रैगन को देखना चाहते हैं। इसी दौरान लड़का और लड़की गोम के अंदर घुस जाते हैं और गोदाम का दरवाजा बंद कर देते हैं। फिर उन जंजीरों को खोल देते हैं जिनसे ड्रैगन बंधा था। लेकिन अभी खतरा दूर नहीं हुआ है। इस समय बाहर के लोगों ने शोर सुना और गोदाम का दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए। उन्हें लगा कि ड्रैगन रोशनदान से भाग गया है। वह सब उसे खोजने के लिए बाहर भागे लेकिन पुलिसकर्मी को एक रहस्य पता चला। वह जानती थी कि ड्रैगन भागा नहीं है बल्कि वो अदृश्य हो गया है।
तुरंत वो दरवाजा बंद कर वहाँ से चली गई। लड़की के दादा अब वहाँ आ जाते हैं। वो गाड़ी से सीधे गोदाम तोड़कर भागने लगते हैं। आदमी गाड़ी से उनका पीछा करने लगते हैं। ड्रैगन ने कई बार कोशिश की लेकिन वो उड़ नहीं पा रहा है। आदमी तेजी से गाड़ी उनके आगे ले जाता है और गाड़ी को बीच सड़क में खड़ी कर उन्हें रुकने का इशारा करता है, लेकिन गाड़ी के ब्रेक काम नहीं करते और वो सीधे निकल जाते हैं। यह सब होने के बाद गाड़ी धीमी हो जाती है और रुकने लगती है। ड्रैगन गुस्से में है, वो दौड़ता है और ब्रिज पर चढ़ जाता है और आग उगलने लगता है। आग की लपटों ने तुरंत पुल में एक बड़ा सा छेद कर देती हैं। लेकिन पुलिस वाली अभी भी कार में है और खतरा बढ़ते जा रहा है। लड़का पुल पर चढ़ता है और ड्रैगन को रोकने के लिए चिल्लाता है। ड्रैगन शांत हो जाता है और होश में वापस आ जाता है। अचानक पुल ढहने लगता है और सब नीचे गिर जाते हैं। पुलिसकर्मी का परिवार शोक में है। लड़का ड्रैगन का नाम पुकारने लगता है। आदमी और पुलिस वाली के साथ ड्रैगन उड़कर ऊपर आते हैं। लड़का भागकर ड्रैगन को गले लगा लेता है। वो अब फिर से साथ है और अलग नहीं होना चाहते हैं। ड्रैगन लड़के को उड़ा ले गया और वे अब अपने घर में वापस जाना चाहते हैं। वापस जंगल में उनका घर मनुष्यों द्वारा पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। हालांकि ड्रैगन अदृश्य रह सकता है लेकिन लड़का ऐसा नहीं कर सकता है। उन्हें अलग होना पड़ेगा। लड़का ड्रैगन को गले लगाकर दुखी महसूस करने लगता है। लड़के की रक्षा के लिए ड्रैगन उसे पुलिस वाली के घर जाने के लिए कहता है और फिर आसमान में उड़ जाता है और गायब हो जाता है। तब से वो ड्रैगन फिर कभी दिखाई नहीं देता है। कई साल बीत जाते हैं। चारों लोग चट्टान के किनारे पर दिखाई देते हैं। वहाँ बहुत सारे ड्रैगन हैं जो हवा में उड़ रहे हैं। लड़का यह देखकर मुस्कुरा रहा है। वो और ड्रैगन अपने घर आ गए हैं।